हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया? चलो ठीक है, फिर अपन आज और बढ़िया बनाते हैं आज का दिन पढ़ाई करके। तो आज जो हम अगला चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण, और ये होगा अपना लेक्चर 7, सातवा लेक्चर है अपना। और इसमें अपन जो पढ़ेंगे संविधान निर्माण के बारे में, कि संविधान क्यों बनता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, संविधान क्या है, ठीक है। क्योंकि आपने इसके पहले जो लोकतंत्र पढ़ा था, तो लोकतंत्र में बच्चों आपने देखा था कि कोई भी शासक, लोकतंत्र में जो भी सत्ता में आता है, वो किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकता। मतलब वहाँ पर उसको परंपरा के अनुसार, संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार शासन करना पड़ता है। वो अपनी वहाँ मनमर्जी नहीं चला सकता, ये लोकतंत्र में है। तो संविधान जो है ये इस बात को ही सारा बताता है कि भाई वहाँ के शासक कैसे होंगे, वहाँ शासक कामकाज कैसे करेंगे, सरकारों का कामकाज कैसे होगा, नागरिकों के पास कौन से अधिकार हैं, इन सब की चर्चा जो होती है वो संविधान में की जाती है। तो यहाँ पे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए इस चैप्टर में दो देशों की उदाहरण है। एक तो है दक्षिण अफ्रीका का और एक है भारत का। अब भारत से तो आप लोग परिचित हैं क्योंकि अपना देश है ये। आपको पता है कि भारत में कैसे अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना के रखा था, क्या स्थिति थी। तो बच्चों वही स्थिति हम देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो पहले अभी अपन पोर्शन जो ले रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका का ले रहे हैं, फिर अपन भारत के पोर्शन में आएंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों बनाई जाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप अपने पता है ये। तो यहाँ पर जो गोरे लोग आए थे, यूरोप, यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं। तो जैसे अपने आप ब्रिटेन से आए थे अंग्रेज, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जिन्होंने अन्य देशों को अपना क्या बनाया, गुलाम बनाया। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग आए थे 17वीं और 18वीं सदी में, इन्होंने यहाँ पर आकर के, अच्छा जो गोरे लोग हैं वो श्वेत, ठीक है, जबकि अफ्रीका के जो लोग हैं वो काले, अश्वेत। तो गोरे लोगों ने, मतलब श्वेत ने अश्वेतों के ऊपर जो किया, अपना अधिकार कर लिया था और वहाँ पर इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था बना ली थी। और वहाँ पर इन्होंने रंग भेद क्या होता है, नस्लवाद जो होता है, जिसमें चमड़ी का जो रंग होता है, जैसे चमड़ी का रंग किसी का काला है, किसी का गोरा है, तो उसके आधार पर भेदभाव करना। अभी जो बाहर से यूरोप से जो जातियाँ आई थी, जो लोग आए थे वो तो गोरे थे। अब गोरे थे तो उन्होंने क्या किया कि भाई गोरे सबसे अच्छे होते हैं और बाकी सबको अपने से छोटा मानते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया, भेदभाव का, रंग भेद का, कि रंग के आधार पर क्या करेंगे, वहाँ पर भेदभाव करेंगे। तो यहाँ पर उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया दक्षिण अफ्रीका की जनता ने, उसमें जो मुख्य भूमिका रही वो यहाँ पे हम एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जो एक बहुत अच्छे कहना चाहिए बड़े व्यक्तित्व की बात अपन करते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे ये यहाँ के अश्वेत नेता, जिन्होंने यहाँ पर अंग्रेज सरकार, मतलब वहाँ की जो सरकार थी गोरे लोगों की, उनका विरोध किया, रंग भेद का विरोध किया, रंग भेद और अन्याय का विरोध किया। और इनका अपन एक थोड़ा सा परिचय लेते हैं, नेल्सन मंडेला का, ये बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अश्वेत, काले जो थे, अश्वेत राष्ट्रपति ये यहाँ के बने थे, जिनका कार्यकाल रहा 1994 से 1999। और इनके जो संघर्ष की नीति थी उसमें बच्चों वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी की नीतियों से, सत्य, अहिंसा, असहयोग जो अपन ने देखा था अपने यहाँ उस तरह से। तो इनको इनके कार्यों के लिए बाद में 93 में नोबल पुरस्कार मिला, शांति का नोबल पुरस्कार। और इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से जो ये काम किया, तो इनको एक शांति दूत के बारे में भी जो है जाना जाता है, शांति दूत के नाम से। और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, जो मैंने भी आपको बताया कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे और इन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों पे चल करके और कार्य किया। और इनको बाद में यूएन, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके जन्म दिवस 18 जुलाई को मंडेला दिवस भी घोषित किया इनके इस योगदान को देखते हुए। तो अब हुआ क्या, जब इन्होंने वहाँ पर अत्याचार देखा किसका, गोरे लोगों का, तो इन्होंने रंग भेद और अन्याय जो हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर जो है आंदोलन किए। तो वहाँ की गोरी सरकार ने कहा कि भाई तुमने तो क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ काम किया, तो इनके खिलाफ कौन सा मुकदमा चलाया गया, राजद्रोह का,
कि तुमने एक बगावत की है राजा उसके खिलाफ, शासन के खिलाफ, और इनके खिलाफ एक मुकदमा चलाया गया और इनको लगभग 27-28 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। एक वहाँ पर रंगभेद का विरोध करने पर आजीवन कारावास, लगभग 28 वर्ष तक। तो इनको यहाँ पर एक द्वीप का नाम आता है रोबेन द्वीप, वहाँ पर इनको जो है रखा गया। हालांकि बाद में जो संघर्ष बहुत तेज हो गया तब तो आगे पढ़ेंगे, फिर इनके बाद में रिहाई भी हो गई थी 1990 में। तो लगभग 27-28 साल जो है इनको जेल में वहाँ पर रहना पड़ा। अब इस पूरे संघर्ष में जिस पार्टी की मुख्य भूमिका रही वो थी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जिसने संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब अपन बात करते हैं कि भाई रंगभेद आधारित नस्ली भेदभाव क्या है, जो रंगभेद पर आधारित है, चमड़ी के रंग के आधार पर जो वहाँ भेदभाव किया जा रहा है कि भाई गोरे हैं इसलिए सारे अधिकार उनके और काले हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं, तो क्या हो रहा था वहाँ पर? तो यहाँ पर चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करने वाली व्यवस्था गोरे सरकार ने बना रखी थी, जिससे मुक्ति पाई यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके। और 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीकी गणराज्य जो है वो दुनिया का लोकतांत्रिक देश बना। तो ये जो इन्होंने संघर्ष किया बच्चों, वो बाकी देशों के लिए एक मॉडल बन गया, एक आदर्श बन गया। इन्होंने जो बाद में अपना संविधान बनाया उसके पहले अपन और चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या था। तो ये जो नस्ली भेदभाव है इसके खिलाफ संघर्ष किया गया, तो उसके पहले अपन बात करते हैं संघर्ष क्यों किया, क्योंकि वहाँ के लोग पीड़ित हो गए थे, अत्याचार हो रहा था। तो क्या कर रही थी गोरी सरकार उनके साथ, यूरोप के लोग क्या कर रहे थे वो अपन देखते हैं। अब यूरोप के गोरों के द्वारा जो वहाँ पे 17वीं-18वीं शती में उनको वहाँ पर आने का, जो व्यापारिक कंपनी जैसे होती आई और वहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो इन्होंने क्या क्या किया, जैसे अपने झेला हुआ है, देखा हुआ है अपन ने, पुराने लोगों से सुना हुआ है, ठीक है, और कहीं अपने फिल्मों के जरिए या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए देखा भी है कि भाई किस तरह से लोगों ने अत्याचार झेले थे अंग्रेज़ों के। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि गोरे लोगों ने जो लोकल व्यवस्था थी शासन की वो अपने हाथ में कर ली, अपने कब्जे में कर ली, और जब शासन उनके हाथ में आ गया तो सारे अधिकार उनके हाथ में आ गए। तो उन्हें क्या किया कि स्थानीय जो लोग थे, लोकल लोग वहाँ के अश्वेत, उनके खिलाफ दमनकारी, दमन करना ना हर चीज़ को दबा देना, उनकी इच्छाओं का जो दमन कर देना, उनकी इच्छाओं को सुनना ही नहीं, दमनकारी व्यवहार किया। अब क्या व्यवहार किया कि वहाँ पे गोरे आए तो उनकी भी तो बस्ती थी, उनकी भी तो कॉलोनी थी, वहाँ पे काले नहीं जा सकते, वहाँ पे जाने की है ही नहीं, जरूरत ही नहीं उनको, और अगर किसी को जाना भी है कोई कामकाज करने के लिए जाना है मान लो गोरे लोगों के यहाँ, तो उसके लिए भी उनको एक परमिट चाहिए, परमिट होता है बच्चे एक जाने की, एक परमिशन, इजाज़त, कहीं जाना होता है तो उसको परमिट के बिना वो गोरे की बस्ती में एंट्री नहीं कर सकते, ये स्थिति थी। इसके अलावा उनको कहाँ कहाँ पर जाने में रोक लगाई गई थी, ट्रेन में है, बस में है, टैक्सी में, होटल में, सिनेमा घर में, कहीं कोई नाटक वाटक देखने जाना है वहाँ पर, इसके अलावा कोई समुद्र तट बीच होता है वहाँ पर भी, यहाँ तक कि उनका जो धार्मिक स्थल है गिरजाघर जिसको बन कहते हैं चर्च, वहाँ पर भी जाने की इनको इजाज़त नहीं थी, अस्पताल में भी नहीं जाना है, मतलब उनको अधिकार पहले नहीं है, पहले अधिकार किसका है वहाँ पर, गोरों का है, ये वहाँ पर। फिर आश्रितों को कोई संगठन सभा करने की इजाज़त नहीं, संगठन बनाने की इजाज़त नहीं है इनको, और इनको विरोध तो करने का अधिकार था ही नहीं, आप गोरी शासन का विरोध कर ही नहीं सकते, और वोट डालने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि गोरों का मानना था कि हम सबसे बड़े हैं, बाकी सब जो हैं हमसे छोटे हैं। तो अब जब आप इतना कोई अपमान झेलेगा, इतना अत्याचार झेलेगा, तो उसके खिलाफ जो है जो झेल रहा है वो तो संघर्ष करेगी, और यहाँ पर क्या हुआ, आश्रितों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा संघर्ष में बच्चों, क्या होता है संघर्ष, सबसे पहले हम विरोध करते हैं, तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन में क्या करेंगे लोग, रैलियाँ निकालेंगे, हड़तालें करेंगे, हो सकता है कुछ संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाएं जो भी है, और संघ संगठन भी बनने शुरू हो गए, इनको साथ और देशों का भी मिला, क्योंकि और देशों तक भी पता चल ही जाता है कि ऐसी स्थितियाँ हैं, तो कहीं कहीं इनको और देशों का साथ भी मिला। अब जब ये गोरी सरकार ने इसको दबाने का प्रयास किया, पर यह संघर्ष तो बहुत बढ़ता जा रहा था, रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो फिर गोरी सरकार को लगा कि अब हमको शासकीय नीतियों में बदलाव करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई दूसरा है ही नहीं, वजह ही नहीं कि हम क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, अब अपनी नीतियों में, कानूनों में थोड़ा सा चेंजेस लाने शुरू किए, क्योंकि इनको लगा कि हमारे खिलाफ तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ता जा रहा है।
इन्होंने क्या किया है, चलो भाई हम जो भेदभाव कर रहे हैं ना कि हम गोरे लोगों को सबसे पहले जो है हर चीज़ की इजाज़त है वो नहीं है, तो ये इन्होंने भेदभाव के जो कानून बनाए थे वो वापस लेने शुरू कर दिए। चलो भाई एक इन्होंने ये किया। फिर इन्होंने जो राजनीतिक दलों पे वहाँ की मीडिया पर जो प्रेशर बना के रखा था, उनको जो प्रतिबंध लगा के रखे थे, बंधन लगा के रखे थे, उसको भी हटाया क्योंकि वो आलोचना नहीं कर सकती सरकार की, उसको भी इन्होंने हटाया। नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया, उनको 28 वर्ष तक जो जेल में आजीवन कारावास, कोयला खनिक के रूप में वहाँ उनको काम करना पड़ता था, तो उससे इनको आज़ादी दी गई। रंगभेद शासन जो है इन्होंने इसकी समाप्ति की घोषणा भी की, ठीक है, और ये भी तय किया कि मिलीजुली सरकार बनेगी। मिलीजुली सरकार ने गोरे तो वहाँ पर हैं रह ही रहे हैं और वहाँ के जो अश्वेत हैं ये दोनों मिल करके और एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे और एक नया संविधान बनाया जाएगा। नया संविधान जो है वो बनाया जाएगा। आप बच्चे बात आती है कि हम दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण क्यों ले रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने जो शासन चलाने के लिए जो नया संविधान बनाया वो संविधान एक मॉडल के रूप में सामने आया, ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इन दोनों लोगों ने मिलकर के, गोरे और काले जूते, श्वेत अश्वेत जो हैं, इन्होंने मिलकर के एक व्यवस्था की। अब गोरे लोगों को डर लगा, एक स्वाभाविक है कि भाई अब इनका शासन आएगा तो ये हमारे साथ कहीं भेदभाव ना करें या हमारे साथ कोई अत्याचार ना करने लगे, हमारी संपत्ति पे हम पे कब्जा ना कर लें। तो ऐसे में नेल्सन मंडेला का कथन था कि भाई मैं तो ऐसा जो है अश्वेतों को भी बराबर का मानता हूँ, श्वेतों को भी बराबर का मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दोनों मिलजुल करके एक ऐसा जो है संविधान बनाए, ऐसा समाज स्थापित करें जो भेदभाव रहित हो, रंगभेद रहित हो, ठीक है, सबको समानता का व्यवहार मिले, ऐसे इन्होंने जो है शासन की इच्छा रखी। और इसके लिए जो काले लोग थे, अश्वेत नेता, इन्होंने अपने अश्वेत समाज से, मतलब वहाँ के रहने वाले जो निवासी है, उनसे ये आग्रह किया कि अब अपन को मिलजुल के रहना है, हमें किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं कि अंग्रेज गोरे लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया तो हम भी उनके साथ ऐसा करें, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम मिलजुल करके अपनी सरकार बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी भेदभाव के हम आपस में रहें। और इस तरह से इन्होंने फिर क्या किया, अपना जो है एक नया संविधान बनके यहाँ पर तैयार हो। तो 94 में तो ये आज़ाद हो और 2 साल के लंबी मेहनत के बाद दोनों सरकारों ने मिलकर के, गोरी सरकार ने और इन्हें मिलकर के, और लंबी विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि अब जो सरकार बनेगी उसका जो रूप होगा वो सब शांतिपूर्वक, ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, बिना किसी भेदभाव के, और इस तरह से एक सरकार, एक संविधान बनाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक संविधान का स्वरूप सामने आया शांतिपूर्वक ढंग से। तो ये बच्चों क्या रहा, दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आया। तो ये दक्षिण अफ्रीका में ये संविधान का निर्माण हुआ, उसकी अपन ने यहाँ पर बच्चों चर्चा की कि कैसे गोरे लोगों ने शासन किया, कैसे अत्याचार किया, पर अत्याचार करने के बाद भी जब वहाँ पर नई व्यवस्था आई, नया संविधान आया, तो कितने शांतिपूर्वक ढंग से मिलजुल करके और यहाँ पर कार्य किया, देखिए अच्छे संविधान के रूप में सामने आया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला उदाहरण बच्चों पर लेंगे वो लेंगे भारत का, कि भारत में क्या स्थितियाँ बनी। आप लोग इसके बारे में पहले 9th क्लास से पहले पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे प्रारूप समिति बनी, उसकी चर्चा अपन अगले उसमें करेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी तो आप क्वेश्चंस करके देंगे, तो आप ये ढंग से एक बार देख लें।